क्रिसमस मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है, लेकिन हर साल मैं उनके लिए एक ना सुलझने वाली पहेली बन जाता हूँ, क्योंकि हर बार मैं ही वहाँ सिंगल होता हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ घर चलना चाहिए। हम नाटक करेंगे कि इतने सालों के बाद हम रिलेशन में हैं। ये बहुत आसान होगा, वो लोग पहले भी तो हमारे बारे में पूछ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। ये तो क्वीन कैरल है, तुम उन्हें क्रिसमस कैरल ही बुलाना। पहले बताना था ना कि तुम्हारी मोम का छुट्टियों वाला ट्रांस नाम है। तुम्हारे लिए एक है, तुम्हारे लिए भी, पूछो तो जाने। ओप्रा। राइट, हाँ, तुम लोगों को तो पता ही होगा, तुम्हारी फैमिली चाहती है कि तुम्हारी एक रिलेशनशिप हो। हाँ, मैं जानता हूँ, साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे लिए मेरा अर्ली क्रिसमस प्रेजेंट है एक ब्लाइंड डेट। मुझे पसंद आया। इसे पसंद आया? तुम जा रहे हो? तुम डेट पर जाओगे? कहाँ जा रहे हो? ये जाने वाला है ब्लाइंड डेट पर। ग्राइंडर से मिला क्या? ओह माय गॉड। ओके, तो क्या हम कहीं कॉफी के लिए चल सकते हैं? तुम्हें लगा होगा ना कि तुम सबसे हॉट, स्मार्ट, फनी, कूल और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के साथ डेट पर जाने वाले हो। वो तो मैं हूँ। तो जेम्स के साथ मेरी डेट अच्छी रही। ओह, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो अच्छी खबर है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि तुम्हारा और पीटर का साथ होना सही रहेगा, क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वैसे मेरी दुनिया में तो मेरी वाइफ बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें क्यूट लगना है, पता है मुझे, गे वाली खुशबू आनी चाहिए। शट अप। दो लोग एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं तो वो दोस्त नहीं होते। निक और पीटर मेकआउट करना चाहते हैं, उन्हें करना चाहिए। अच्छे लग रहे हो। निक हॉट लड़का है, पीटर भी हैंडसम है। ये खूबसूरत स्टार्स मुझे बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है। दोनों लड़कियां मेरे रूम में सो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ। आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है? अगर निक और मैं डेट करने लगे और कोई गड़बड़ हो गई तो मैं उसे खो दूंगा। और अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो? गेज को काम करने का तरीका पता होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझ पर हमेशा ध्यान देते हैं।